बहू कुमार की। बहुत पुरानी बात है, रामपुर गांव में कविता नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। एक दिन गांव के सबसे बड़े आदमी की बेटी उर्मिला की शादी थी। उनका नौकर कविता के घर दावत देने के लिए आता है। आज उर्मिला बेटी की शादी है, आप सबको जरूर आना है। ठीक है भैया, हम आ जाएंगे। अरे बेटा, तू तो जानती है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू चली जा दावत पर। माँ, मैं क्या पहन कर जाऊँ? अरे बक्से में इतने कपड़े रखे हैं, कुछ भी पहन ले बेटी। कविता एक गुलाबी रंग का सूट निकाल कर पहन लेती है। कविता भूल जाती है कि सूट पीछे से उधड़ा हुआ है। वो शादी में पहुंच जाती है। वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ अच्छी पोशाक में होती हैं। वे सब कविता के फटे हुए कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। कविता बहुत निराश हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते कविता जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे अजीब से एक जानवर के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसकी नजर एक बड़े से गड्ढे पर जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ है। डायनासोर अभी भी होते हैं? अरे मैं कब जंगल में आ गई, रोते रोते पता ही नहीं चला। पर अच्छा ही हुआ, इसकी जान मुझे बचानी होगी। कविता जैसे तैसे डायनासोर की जान बचाती है। डायनासोर शाकाहारी होता है। कविता डायनासोर को अपने साथ लेकर घर पहुंचती है। मीना ने मेरा मजाक उड़ाया था, आज मैं अपने डायनासोर की मदद से उसे मजा चखाती हूँ। कविता अपने डायनासोर पर बैठकर मीना के घर पहुंच जाती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। मीना और उसके घर के लोग सरपंच के पास जाकर कविता की शिकायत करते हैं। कविता की माँ, कविता ने मीना का बहुत नुकसान किया है, तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए, कविता नादान है, हम बहुत गरीब हैं, मैं इनके नुकसान की भरपाई नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, उसकी शादी कर दो और उसके डायनासोर को उसके साथ उसके ससुराल भेज दो, तभी हमें छुटकारा मिलेगा इससे। कविता की माँ उनसे माफी मांगती है। कुछ ही दिनों में कविता की शादी कुमार नाम के एक लड़के से हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद कुमार का व्यापार में बहुत नुकसान हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हो, परेशानी की कोई बात नहीं, ये मेरा डायनासोर है ना, आप गांव-गांव जाकर इसके ऊपर सवारी करा के पैसे कमा सकते हो, हमारा घर भी अच्छा चल पड़ेगा। कुमार ऐसा ही करता है। कविता और डायनासोर की मदद से घर फिर से दोबारा से अच्छा चलने लगता है। कुमार और कविता खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और कविता के जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ये सब मेरे डायनासोर की वजह से है, थैंक यू डायनासोर। मुर्गी के अंडे वाली बहू। चरण नाम का व्यक्ति एक सेठ के यहाँ उनके खेतों में काम किया करता था। सेठ बहुत अच्छा था, लेकिन मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक लोहा सिंह नाम के व्यक्ति को काम पर रखा हुआ था। एक दिन चरण को खेत में काम करते वक्त चोट लग जाती है। सभी मजदूरों ने मिलकर उसको उठाया और डॉक्टर के यहाँ पट्टी करवाने चले गए। तभी लोहा सिंह वहाँ आया। अरे ओ चरण, तुम क्यों बैठे हो, अगर काम नहीं करोगे तो शाम को मजदूरी नहीं मिलेगी। लोहा भाई, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं इसलिए बैठा हूँ, मुझसे अब काम नहीं हो पाएगा। लोहा सिंह ने चरण को खूब खरी खोटी सुनाई। यह सुनकर चरण को बहुत गुस्सा आया और वो चुपचाप उठकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी सीमा जोर जोर से रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है, कुछ ही दिनों में चोट ठीक हो जाएगी। चोट तो ठीक हो जाएगी जी, लेकिन तुम्हारा काम जो छूट गया, अब घर कैसे चलेगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। तुम ठीक कहती हो पगली, चलो तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने सारे जेवर उठाकर चरण को दे दिए। ये लीजिए, इन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे ले आइए, घर भी तो चलाना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो तुम्हारे जेवर हैं। चरण अपनी पत्नी की बात मान जाता है और गहनों को गिरवी रख देता है। जो पैसे मिलते हैं उनसे 10 मुर्गी और एक मुर्गा खरीद कर घर लौट आता है। पति पत्नी ने मिलकर मुर्गियों के लिए एक घर बनाया।
और उनके अंडे इकट्ठे करके उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। एक महीने बाद उन्होंने हिसाब लगाया। अरे वाह, एक महीने में तो हमें 1,000 रुपए बच गए हैं। सोचता हूँ रुपए सुनार के पास जाकर वापस कर दूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें और पैसे चाहिए, और मुर्गियाँ खरीदेंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। चरण अपनी पत्नी की बात मान जाता है और मुर्गियाँ खरीद कर लाता है। चरण को जब भी पैसे बचते वो उनसे और मुर्गियाँ खरीद कर ले आता। कुछ ही दिनों में उनका खुद का फार्म बन गया। दूर दूर से लोग उनके पास अंडों के लिए आते थे। देखो जी, अब तो हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो गया है भगवान की कृपा से। अब तो चिंता की कोई बात नहीं। अरे अब तो मुझे इजाजत दे दो तुम्हारे जेवर लाने की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही ले आओ मेरे जेवर, और हाँ कुछ नए जेवर भी दिला देना। चरण खुशी खुशी सारे जेवर लाकर अपनी पत्नी को लौटा देता है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है। दोनों अपना मकान पक्का कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसीलिए सफलता का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। नानपुर गांव में करिश्मा और आयुष अपने पिता के साथ रहते थे। उनके पिता का नाम मोहन था। उनका 2 मंजिला मकान था। ऊपर वाली मंजिल में किरायेदार सुदामा रहता था। उसी के किराए से उनका खर्च चलता था। क्योंकि मोहन को टीबी थी, वो कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन उनका किरायेदार सुदामा एक बहुत ही नीच और लालची इंसान था। उसकी नज़र उनके मकान पर थी। जब ये बूढ़ा मर जाएगा तो मैं इसके मकान पर खुद ही कब्जा कर लूँगा। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस में रहने वाले जॉन इटली से आते हैं और अपने साथ कोरोना नाम की भयानक महामारी को ले आते हैं। जॉन को कोरोना का पता लगते ही सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जॉन से संक्रमण मोहन को लग जाता है, क्योंकि टीवी का मरीज होने की वजह से वो वैसे ही काफ़ी कमज़ोर था। यह देखकर आयुष और करिश्मा परेशान हो जाते हैं, लेकिन गांव के डॉक्टर उन्हें समझाते हैं। देखो बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी ठीक हो सकते हैं, लेकिन बस तुम लोग उन्हें दवा और खाना समय पर दो, और हाँ साफ सफाई का ख्याल रखना और सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर करना। कोई भी चीज़ उन्हें देते हुए सैनिटाइज जरूर कर लेना, ताकि उनकी बीमारी ना फैले। यह बात सुदामा सुन लेता है। अच्छा, तो सैनिटाइज करके ही इसे चीज़ें देनी है, क्यों ना मैं इसका सैनिटाइजर ही चुरा लेता हूँ। मोहन तो मरेगा ही मरेगा, साथ में इसके बच्चे भी मर जाएंगे और ये मकान मेरा हो जाएगा। और मौका पाकर वो सारा सैनिटाइजर चुरा लेता है। बच्चों के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। वे सुदामा के पास किराया मांगने जाते हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूँ, मैं तो खुद ही बीमार हूँ, जब ठीक हो जाऊँगा तो तुम्हारा किराया दे दूँगा। बच्चे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन का संक्रमण अधिक फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आयुष और करिश्मा दुखी होकर गांव के कुएं के पास रोने लगते हैं। तभी कुएं में से एक जिन प्रकट होता है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? हमारे पिताजी नहीं रहे, सैनिटाइजर ना होने की वजह से हम उनकी जान ना बचा पाए। देखो, मैं तुम्हारे पिताजी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ तुम्हें मैं ये सैनिटाइजर की शीशी देता हूँ। ये जादुई सैनिटाइजर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दोनों वो सैनिटाइजर लेकर अपने घर चले जाते हैं और अगले ही दिन पास के गांव से ढेर सारी छोटी छोटी बोतलें खरीद कर ले आते हैं और उसमें सैनिटाइजर भरकर बेचने लगते हैं और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में सैनिटाइजर देते हैं। अब वो दोनों सुदामा की कंप्लेंट पुलिस में करते हैं और पुलिस सुदामा को उनके घर से हटा देती है
और उनका मकान खाली करवा देती है। और इस तरह जादुई सैनिटाइजर की मदद से दोनों बच्चों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। लंबी बाइक। एक गांव के कॉलेज में चार दोस्त मिलकर पढ़ते थे। चारों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। वे कहीं भी जाते तो चारों इकट्ठे ही जाते और रोज़ अपने घरों से पैदल कॉलेज पढ़ने आया करते थे। एक दिन, दोस्तों क्यों ना हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं काम करके कुछ पैसे कमाएं? हाँ हाँ राम, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। भाई बात तो तुमने ठीक करी, लेकिन इस बार पैसे कमाकर हम बाइक खरीदेंगे। इतनी दूर पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे सहमत हूँ, हम लोग पैसे बचाकर एक बाइक ले लेंगे। उस गांव में किशनचंद नाम का एक व्यापारी था। वो बहुत ही बड़ा धोखेबाज और चालाक था। गर्मियों की छुट्टियों में चारों दोस्त किशनचंद के पास पहुँचे। सेठ जी, हमें 2 महीने की छुट्टी मिली है कॉलेज से, अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। अरे बच्चों, तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बाकी बच्चे तो छुट्टियों में घूमते फिरते हैं, लेकिन तुम लोग काम के लिए आए हो। वैसे कमाए हुए पैसों से क्या करना चाहते हो तुम? सेठ जी, हमें कॉलेज पैदल जाना पड़ता है, हमें तकलीफ होती है, हम उससे बाइक लेने की सोच रहे हैं। तो ठीक है, तुम लोग 2 महीने मेरे पास काम करो, बाइक मैं तुम्हें दे दूंगा। वे चारों किशनचंद के यहाँ अगले ही दिन से काम करने लगे, जैसे बोरियां उठाना, खेती करना, सामान इधर से उधर ले जाना और कई तरह के काम। 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। 2 महीने बाद, सेठ जी, आपके पास हमारे 2 महीने पूरे हो गए, हमें हमारी बाइक दे दीजिए या हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने काम तो ठीक से नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। चलो मैं तुम्हें बाइक देता हूँ। और किशनचंद ने अपनी एक पुरानी बाइक लाकर उन चारों को दे दी। अरे सेठ जी, ये तो पुरानी बाइक है, इसका हम क्या करेंगे? भाई देखो, पुरानी हो या नहीं, मैंने वादा किया था बाइक देने का, मैंने तुम्हें बाइक दे दी, अब तुम जानो और तुम्हारी बाइक जाने। चारों बाइक को धक्का मारकर वहां से ले गए। तभी सोनू ने कहा, अरे मेरे पास एक उपाय है, हम बाइक के पार्ट निकालकर एक लंबी बाइक बना लेते हैं। चारों उस बाइक को लेकर सोनू के पिताजी की वर्कशॉप ले गए और उन्होंने उस बाइक में और टुकड़े जोड़कर एक लंबी बाइक बना ली। अब चारों बड़ी शान से एक ही बाइक पर बैठकर निकलते थे। सभी लोग उन्हें हैरानी से देखते थे। हाँ दोस्तों, ये रही हमारी लॉन्ग बाइक। हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है, हम चारों एक ही बाइक पर। हाँ 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 हाँ, तुम ठीक कहते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन जब वो चारों अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सेठ किशनचंद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उन चारों ने किशनचंद को उठाया और समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। किशनचंद की जान बच गई। ठीक होने पर किशनचंद ने उनसे कहा, बच्चों मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इनाम स्वरूप पैसे देना चाहता हूँ, या कहो तो नई बाइक ला दूँ। अरे नहीं सेठ जी, हमें ना आपके पैसे चाहिए ना ही बाइक, आपके कारण हमारी दोस्ती और गहरी हो गई है, क्योंकि हम चारों अब अपनी लॉन्ग बाइक पर जो जाते हैं एक साथ। और वो चारों दोस्त बाइक पर इकट्ठे घूमते और साथ ही कॉलेज भी जाते थे। अब लॉन्ग बाइक उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। प्लीज सब्सक्राइब।